नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हम मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल मैट्रिक्स स्पेस के। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किए थे। लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अ रिलेशन डी, non-negative relation D, is said to be a matrix if it satisfies four properties. Number one, non-negativity. D of x, y is greater than or equal to 0 for any x, y belongs to capital X. Then D of x, y equal to 0 if and only x equal to y. That is identity property. Third one is D of x, y equal to D of y, x. Symmetric property. And fourth one is D of x y is less than or equal to D of x z plus D of z y, triangle inequality property. तो ये सब चारों property background में है। We'll solve the example. Let x d be a metric space and four points x x dash y y dash are points in x. Then we have to show that mod of dxy minus dx dash y dash is less than or equal to dx x dash plus dy y dash. Okay. So, one result we recall before solving this, जिसे हमको यहाँ पर use भी करना होगा, a less than or equal to b एंड माइनस ए लेस देन और इक्वल टू बी, इस तरह की दो अलग अलग इनइक्वालिटीज होगी। तो दिस मींस मॉड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ओके, ए लेस देन और इक्वल टू बी एंड माइनस ए लेस देन और इक्वल टू बी मींस मॉड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। नाउ सॉल्यूशन, गिवन दैट एक्स बी is a metric space and points x x dash y y dash belongs to capital X. So therefore d of x y, अब हमको ये सारे d चाहिए, d of x dash y dash, d of x x dash, d of y y dash, तो बीच में कुछ point introduce करते जाना होगा। तो ये दोनों के बीच में point introduce करते by using triangle inequality. So this can be written as less than or equal to d of x x dash plus d of x dash y by triangle inequality property of matrix, fourth property. अब देखो ये टर्म आ गई, इस तरह की टर्म मिलानी है, तो इसके बीच में y dash introduce कर देते। Now this d is less than or equal to x x dash वैल्यू प्लस, इसके लिए फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं, x dash y dash प्लस दिस d ऑफ y dash y अगेन बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। d ऑफ x y के साथ में d ऑफ x dash y dash चाहिए, इसको उधर शिफ्ट करा दो, इसको शिफ्ट करा देते हैं, तो वी गेट d ऑफ x y माइनस d ऑफ x dash y dash is less than or equal to d of x x dash plus, ये बच गया, इसको symmetric property use करके d of y y dash use करके by symmetric property. Okay, ये relation तो ले रहे हो number one। अब जो काम हमने d of x y से शुरू किया, यही काम d of x dash y dash से शुरू करते हैं। Again d of x dash y dash is less than or equal to d of x dash x plus d of x y dash, x introduce कर दे बीच में by triangle inequality। अब x y चाहिए, बाकी की चीजें तो आ गई है, ये वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो इसके बाद में y introduce करते हैं। This d is less than or equal to
ये पहली टर्म अपनी जगह पर d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई वाई डैश अगेन बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी d ऑफ एक्स डैश वाई डैश के साथ में d ऑफ एक्स का चाहिए इसको ले आओ इधर तो देयर d ऑफ एक्स डैश वाई डैश माइनस d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ यहां सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई x x डैश और y y डैश चाहिए था जैसा वैसे रहने y y डैश यहां पर हमने इसको चेंज किया बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ओके इसको नंबर दे देना 2 ये रिलेशन को नंबर दे देना 2 अब देखो यहां से माइनस कॉमन लिया जा सकता है तो माइनस कॉमन लाने पे इसका अपोजिट हो गया ये स्टेटमेंट का ये साइड तो दोनों जगह सेम है यहाँ डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश है यहाँ डी एक्स डैश वाई डैश माइनस डी एक्स वाई है तो माइनस साइन लेने पर ये इसका अपोजिट हो जाएगा फिर ये जो हमने लिखा था रिजल्ट ए लेस देन और इक्वल टू बी एंड माइनस ए लेस देन और इक्वल टू बी गिव्स मॉड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी ये यहाँ से कंबाइन किया जा सकता है ठीक है तो पहले माइनस कॉमन लेके बता देते हैं माइनस कॉमन लेके बता देते हैं That is, यहां से माइनस कॉमन ले रहे तो d ऑफ एक्स वाई माइनस d ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज लेस देन और इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस d ऑफ वाई वाई डैश इसको नंबर दे दो तू जाने दो इसको छोड़ दो ठीक है अब ये दोनों को ऑब्जर्व करते हैं 1 और 2 को तो एक टर्म और ये उसका नेगेटिव 1 and 2 imply modulus of absolute value of d of x y minus d x dash y dash is less than or equal to d a x x dash plus d y y dash proves the result okay yes We'll see one more example. Example for x, comma y belongs to R1, Euclidean space of one dimension. Define. D1 of xy is equal to x minus y का square. Question is, determine whether it is a metric or not. Determine whether it is a metric or not. This can be written as d also, लेकिन already हमने d of x y real number line के लिए mod x minus y define किया होगा, और we can define more than one metric on a given set. तो ये कुछ different है, x minus y का square है, इसे इसको d1 से denote किया है. जो notation होगा, आप वो notation के साथ काम करेंगे. So, let us see. इसके लिए ये रिलेशन के लिए वी हैव टू वेरीफाई नॉन नेगेटिविटी कंडीशन आइडेंटिटी कंडीशन सिमेट्रिक एंड ट्रायंगल इनइक्वल देखते हैं फॉर ऐसा देखते हैं दिस इज गिवन सॉल्यूशन गिवन एक्स कॉमा वाई के लिए This is the definition of a metric. Okay. First condition. X minus y हमेशा greater than or equal to zero होगा. X minus y square is always greater than or equal to zero. So this implies d1 of x y is greater than or equal to zero. Means non-negativity holds. Non-negativity holds.
नाउ सेकंड x माइनस y का स्क्वायर जीरो कब होगा इफ एंड ओनली x माइनस y खुद से जीरो होगा मींस व्हाट x इक्वल टू y होगा दैट मींस दिस कैन बी रिप्लेस बाय d1 ऑफ x1 d1 ऑफ x1 will be 0 up if and only if x equal to y. ये क्या रिप्रेजेंट करती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स. नाउ लेट अस सी थर्ड वन x माइनस y का स्क्वायर से y माइनस x का होल स्क्वायर में जाना है हमको तो माइनस तो यहां से शुरू करते हैं d ऑफ x y इक्वल टू d ऑफ y बताना है ना यहां से शुरू करते हैं d ऑफ d1 ऑफ x y दिस इज व्हाट x माइनस y का स्क्वायर व्हिच कैन बी रिटन एज माइनस कॉमन y माइनस x का स्क्वायर ठीक है ना माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा ये बन गया y माइनस x का स्क्वायर और इसके इसके ऑब्जर्वेशन के साथ में d1 ऑफ x y है x माइनस y का स्क्वायर तो y माइनस x का स्क्वायर बनेगा d1 ऑफ यहां लिख देते हैं d1 ऑफ y कॉमा x बाय 1 इसका मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड्स तीन प्रॉपर्टी तो हो गई अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में देखना फोर्थ वन देखते हैं d1 of x y is less than or equal to ये प्रूव करना है मतलब d1 of x z plus d1 of z y ये प्रूव करना है हाँ टू चेक to check whether this property holds or not. So, इसकी जो property इसको लेकर देखते हैं, solve करके देखते हैं क्या होता है. X minus y का square can be written as first of all, it can be written as हमको z introduce करना है, तो x minus z plus z minus y ये ऐसा square z introduce किया जा सकता है. और x less than z less than y x और y के बीच में z है ऐसा मानकर हमने z इंट्रोड्यूस कर दिया अब इसके दो टर्म बना लेते हैं एक x minus z एक z minus y तो a plus b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x minus z का स्क्वायर plus z minus y का स्क्वायर plus 2 times x minus z z minus y a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2 times ab अब देखो ये टर्म हो गई d1 ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू ये टर्म हो गई d1 ऑफ x कॉमा z प्लस d1 ऑफ z कॉमा y इसके ऑब्जर्वेशन से ये d1 नहीं बनेगा इसको ऐसे रखना पड़ेगा 2 टाइम्स x माइनस z z माइनस y अब ये एक एक्स्ट्रा की टर्म है इसका नेचर कैसा है देखते हैं x less than z less than y है तो x is smaller than z तो x minus z छोटे में से बड़ा माइनस हो तो less than 0 होगा नेगेटिव होगा ये फिर z is less than y है तो z minus y इधर लेकर आया तो z minus y is less than 0 होगा ये टर्म नेगेटिव है ये टर्म नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा दिस इंप्लाई x माइनस z इनटू z माइनस y इज पॉजिटिव यानी ये टर्म पॉजिटिव टर्म है और उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई है यानी d1 ऑफ xy इस टर्म के साथ बराबर हो रहा है इक्वल हो रहा है बैलेंस हो रहा है तो जब ये टर्म हटा देंगे यानी ये दो चीजें यदि मान लो पैरेलल है समान है अब इसमें से कुछ कम कर देंगे
तो कम कर देंगे तो ये हैवी हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर. तो देयरफॉर d1 ऑफ xy इज ग्रेटर देन d1 ऑफ xz प्लस d1 ऑफ zy. हमको तो चाहिए था लेस देन और इक्वल टू, वो हो नहीं रहा है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी एडिशनल है यहां पर. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, हेंस गिवन रिलेशन इज नॉट अ मैट्रिक. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, देयरफॉर गिवन d1 इज नॉट अ मैट्रिक, नॉट अ मैट्रिक. ठीक है, यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे जा सकते हैं. This shows that triangle inequality does not hold. And hence, g1 d1 is not a metric. तो इस तरह से मीट्रिक के एग्जाम्पल है ये. आज के लिए यहां रुकेंगे, अगले वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल मीट्रिक स्पेस के ही